कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों, आपके लिए हम लाए हैं जून महीने का राशिफल। साल का छठा महीना शुरू हो गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जून में चार बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा 29 जून को शनि वक्री होंगे। इसका सभी राशियों पर असर पड़ेगा। यदि आपकी राशि कन्या है और आप जानना चाह रहे हैं कि कन्या राशि वालों का करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। नंबर एक, कन्या राशि शिक्षा और करियर। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का समय जून में पढ़ाई में कम लगेगा। इस समय आपका समय आलस में बीतेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे छात्र जो बीटेक, बीसीए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अच्छे है। उन्हें इस महीने नए अवसर मिल सकते हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस महीने किसी क्षेत्र में काम का मौका मिल सकता है, जिससे उनके अनुभव में वृद्धि होगी। इसलिए किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें और उसमें पूरा मन लगाकर काम करें। नंबर दो, कन्या राशि पारिवारिक जीवन। कन्या राशिफल जून। कन्या राशिफल जून के अनुसार परिवार में अगले महीने कोई विशेष कार्यक्रम हो सकता है, जिससे घर के सभी लोग उसी में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा इस महीने अगर कार्यक्रम करें तो ज्यादा लोगों को बुलाने से बचे, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। जून के आखिर तक घर में किसी सदस्य के विवाह का योग भी बन सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। यदि आपका कोई भाई या बहन बाहर नौकरी करता है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है। नंबर तीन, कन्या राशि व्यापार और नौकरी। आर्थिक लिहाज से बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए इस महीने थोड़ी चुनौती हो सकती है। अगले 30 दिन आप परिश्रम बहुत करेंगे, लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। कई ऐसे व्यापारिक समझौते हो सकते हैं, जिनमें घाटा हो सकता है। इस महीने सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि घर में किसी और सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है, जिससे इस घाटे की भरपाई हो जाएगी। सरकारी अधिकारियों के लिए यह माह ज्यादा काम लेकर आएगा। इस समय आप धैर्य और संयम से काम करें। प्राइवेट जॉब में, मीडिया में काम कर रहे लोगों को जून में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वहीं कंटेंट मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े लोग लाभ में रहेंगे। नंबर चार, कन्या राशि प्रेम जीवन। कन्या राशि के वे लोग जिनका विवाह हो चुका है, उन्हें अपने साथी से कोई खुशखबरी या उपहार मिल सकता है। इससे दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा। रिलेशन में रह रहे लोगों का भी जून में साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन भी हो सकती है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए जून कई अच्छे अवसर ला सकता है, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वे हाथ से निकल भी सकते हैं, इसलिए पहले से ही सजग रहें। नंबर पाँच, कन्या राशि स्वास्थ्य जीवन। जून माह में कन्या राशि वाले मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं। इस महीने लू लग सकती है। घर से बाहर निकलते समय पानी लेकर निकले, वरना डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। माह के दूसरे सप्ताह में बेचैनी रह सकती है, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। नंबर छह, कन्या राशि का लकी नंबर और लकी कलर। जून में कन्या राशि का लकी नंबर 9 और लकी कलर स्लेटी रहेगा। इन दोनों को प्राथमिकता देंगे तो इस महीने आप अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।